वीडियो भी बना लो। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी, आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी बज रहे हैं 3:30 के आसपास बज रहे हैं। तो चलिए गाइस घड़ी दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस 3:30 बजे मुझे उठना पड़ा क्योंकि आज हमारे मोनिका जी का बर्थडे है, तो वहाँ पे भी जाना है और ड्यूटी भी जरूरी था। तो चलिए गाइस पहले ड्यूटी निकलते हैं और उसके बाद जल्दी से ड्यूटी करके आते हैं, उसके बाद फिर दी के बर्थडे में चलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हेलो गाइस, फिर मैं ड्यूटी पहुंच चुका हूँ, ड्यूटी करके फिर निकलना है दी के पास। तो चलिए गाइस बने रहिए साथ। और सबसे पहले मम्मी को फोन करके बता देता हूँ। पलकों के ले के साए पास कोई जो आए। आ चुका हूँ और अब जल्दी से चलता हूँ क्योंकि दी का बर्थडे 1 बजे से स्टार्ट था और बहुत ज्यादा ही टाइम हो चुका है। तो चलिए गाइस जल्दी चलता हूँ और फिर वहां चल के आपको सीन दिखाता हूँ। और खाना पीना तो खाना ही है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो पार्टी है। तो चलिए गाइस चलते हैं और वहां पे जितने भी हफ्सी लोग बैठे हुए हैं अभी, तो उनसे भी मिलवाते हैं। मैं पहुंच चुका हूँ पार्टी में और देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। तो चलिए गाइस दिखाता हूँ आपको। लो ये आ गए। हेलो, ये आ गया यूट्यूबर हमारा जो मेरी फसल चेक की जगह डाल दी। हेलो जय जी, बढ़िया बढ़िया भैया। हेलो हेलो बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। गुड ब्लेस यू। और अंजलि भैया बढ़िया बढ़िया भाई। हाँ पूर्णिमा जी, हेलो नमस्ते मासी जी। हेलो और क्या बढ़िया, क्या बोलो। तो जैसे कि गाइस मैंने बताया था कि चलो भुखड़ों से मिलाता हूँ। हमारे जिया जी प्रपोज कर रहे हैं दीदी को। ऐसे कोई घुटनों वाले की करो, ऐसे नहीं घुटनों पे बैठ ये प्रपोज हो गया। तो आज दीदी को क्या गिफ्ट मिला वैसे बर्थडे गिफ्ट? मोबाइल। अच्छा, तो लेके आए थी मोबाइल? नहीं अभी घर पे ही है। अच्छा घर पे है, तो चले गाइस मिलाते हैं आगे बाद में, बने रहिए। मेरी बहुत अच्छी गुड़िया है। अच्छा सुंदर, मैं तो पहचान ही नहीं पाता, घर के सारे काम करती हूँ फिर भी नहीं करती। मस्त जोक मारा यार। वीडियो बनाने में टाइम निकाल लेती है, वीडियो बनाने में भी टाइम निकालती हूँ अब तुम लोगों के लिए। घर के सारे काम बेटी करती है। कैसे हो आप सभी, तो बताओ ये कैसा लग रहा है? झूठ है ना, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। मैंने पेप्सी पी लिया है और अब हमारे लिए आया है स्पेशल चौमिन और कुरकुरे मोमोस, तो ये भी खाते हैं। रील बना रहे हैं, रील ऐसे बना रहे हैं जैसे कि मतलब रो रहे हो। रो रहे हो? हाँ रो रहे हो। अंजलि भैया क्या फील आ रहा है? फोटो शूट हो रहा है। ये राजकुमारी जी और आपका परिचय? ये चौमिन खा रहे हैं। और आपका परिचय? सुनीता जी। इनके तो गाइस अब चाप आ चुका है तो ये खा रहे हैं और सभी वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। जिया जी खा रहे हैं? हाँ जिया जी। अरे माधव क्या कर रहा है, नींद आ रहा है? इधर आ चाप खा। तो गाइस हमारे बीच में कंचन जी भी आ चुकी है और यहाँ पे जितने भी है सभी लोग आ चुके हैं। तो और सबने प्लेट भी खाली कर दी, खा के मतलब यहाँ पे ढेर लगा दिया है। और इधर रील्स बन रहा है यहाँ पे। हमारे दी का बर्थडे है मोनिका दी के बारे में, तो सभी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे।
इसके उपलक्ष में हमारे दी के लिए सभी एक एक वर्ड बोलेंगे कि मोनिका दी में आपको क्या खूबी नजर आया और क्या क्या अच्छा लगता है, तो एक एक वर्ड बोलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हमारे बीच में जिया जी है तो ये बताएंगे। अब हमारी दी बताएगी। मेरे लिए तो तुम लोगों से मिलने से पहले ये मेरी इकलौती सहेली थी और मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया दूर हो जाए पर ये मेरे साथ लाइफ टाइम रहे, बस इतना। वाह चलो मुझे दूर कर तो, कुछ कहिए। मैंने मोनिका जी को देखा तो मैं देखती रहेगी, वाकई मेरी ये बहुत काबिल तारीफ है। चलिए आप बताइए कुछ। अच्छा मोनिका जी से मुझे ये अच्छा लगा, इनका काम स्वभाव जो है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो चलिए अच्छा, अच्छी बात है। चलिए आप कुछ बताइए, आप तो पहली बार आए हैं तो अभी कैसा लगा देख के? अच्छा लगा, ये मेरी बड़ी फ्रेंड है। मासी जी मोनिका तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ऐसा कि हम बहुत टाइम पहले से जानते हैं। ओके रुचि जी कुछ आप बताइए दी के बारे में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मोनिका जी है ना वो कम बात करती है, सबसे ज्यादा नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हमारे सबके दिल में अपनी एक जगह बना ली है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है और हम लोग सच्ची में उनके बिना नहीं रह सकते। चलिए तो पुनी कुछ आप बताइए दी के बारे में। हैप्पी बर्थडे मोनिका जी, प्योर सॉन्ग, इतना कम बोलती है, इनकी खूबियां उससे बहुत ज्यादा बोलती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अंजय भैया कुछ आप बताइए दी के बारे में। मैं आपको बता दूं, मैं अपने बर्थडे पे फर्स्ट टाइम इनसे मिला था, बट ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने इनसे फर्स्ट टाइम मिला हूँ, मतलब इतनी मैच्योरिटी इनके साथ थी जैसे मैं काफी दिन से इन्हें जानता हूँ। थैंक यू सो मच आप मेरे साथ जुड़े। कंचन जी कुछ आप बताइए दी के बारे में। मोनिका दी बहुत प्यारी है, तो हमेशा इनके साथ जुड़ी रहनी चाहिए। चलिए तो गाइस मैं दी के बारे में जो भी कुछ कहूँ वो सारा कुछ कम है, क्योंकि दी जैसे खुशी दी है मेरे लिए उसी तरीके से मोनिका दी है, और मतलब हमेशा अपने छोटे लड़के की तरह मतलब इनसे प्यार मिला है दी से। तो गाइस जिसके लिए इंतजार था और जिसके लिए सभी यहाँ पे ये जितने भी भीड़ है सभी इकट्ठे हो रखे हैं और केक कटिंग का समय आ चुका है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोनिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मोनिका, हैप्पी बर्थडे। इनका बर्थडे आने वाला है, नवरात्रि बाद मनाएंगे, तो इनका शक्ल देख लो आप, और जितने भी बनाएंगे तो जेल हो जाएगी। तो जितने भी मेरे व्यूअर हैं शक्ल देख लो सबको, इनके तरफ से फ्री दावत होगा, कुछ नहीं लेके आना और आपको खाना पीना सब कुछ मिलेगा, पार्टी देंगे और बिना गिफ्ट के आना है, और लेकिन पार्टी उसी को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो गाइस यहाँ पे सभी खाने के लिए आ चुके हैं। तो गाइस खाना आ चुका है, ये रहा मिक्स वेज, दाल मखनी और शाही पनीर। तो हेलो गाइस खाना आ चुका है और सभी खाने में बिजी हैं। तो गाइस हमारा खाना हो चुका है और सभी जाने के लिए रेडी हो गए हैं, और छोटो भी उठ गया है, ये अभी शोर मचा रहा है। ये गाइस तो चलिए गाइस चलते हैं, हमारा प्रोग्राम हो चुका है और बाय बाय। तो गाइस घर जा रहा था और रास्ते में यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया, बहुत तेज बारिश हो रहा है। तो गाइस आखिरकार मैं घर पहुंच गया और आते आते फिर मैं बहुत ज्यादा गीला भी हो चुका था क्योंकि मैंने अब खाया भी था, बारिश स्टार्ट हो गया था। तो चलिए गाइस अब चलते हैं जल्दी से मंदिर और आपको कराता हूँ माँ झंडे वाली माता मंदिर का दर्शन, माता रानी का, क्योंकि वहां पे तो आपको पता है नवरात्रि का एकदम जोरों शोर से तैयारी चल रहा है। तो चले गाइस चलते हैं जल्दी से मंदिर और करते हैं माँ झंडेवाली का दर्शन। तक गाइस मैं मंदिर पहुंच चुका हूँ और थोड़ी देर में आरती स्टार्ट होने वाला है, तो फिर मैं आपको आरती दिखाता हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए जय माता दी। जय माता की अंकल जी। जय माता दी। जय माता दी। तो हमारे अंकल जी आ गए और प्रसाद ले लिया। तो चले गाइस जय माता दी। बस बढ़िया। जय माता दी।
जय माता दी। हाँ जय माता की गाइस, आरती स्टार्ट हो गया, तो चलिए गाइस दिखाता हूँ मैं आपको आरती। जय माता दी। तो गाइस जय माता दी, देखिए ये नवरात्रों की बहुत तेजी से तैयारी चल रही है, प्रकाश से भी ढक गया है और जल्दी जल्दी यहाँ पे तैयारी चल रही है नवरात्रों की। तो नवरात्रों में आपको पूरे 9 दिन जो है हमारे माता रानी का लाइव दर्शन कराया करूँगा और रेगुलर ब्लॉग आएगा नवरात्रों में, तो बने रहिए हमारे साथ। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहते हैं यहाँ पे। जय माता दी। यहाँ पे अब प्रसाद वितरण हो रहा है, तो कभी भी आप मंदिर आइए तो प्रसाद लिए बिना मत जाइए। तो जय माता दी, चलिए हम भी प्रसाद ले लेते हैं जल्दी से। तो जय माता की गाइस, प्रसाद मिल चुका है और चलिए गाइस चलते हैं अब घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और सेवा भी हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। मैं घर पे आ चुका हूँ और आपने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया होगा माता रानी का और बर्थडे देख लिया होगा, आज बहुत कुछ किया हमने। तो चले गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले। यार आप लोग वीडियो देखते हो, हर बार बोलता हूँ आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो, हमें मोटिवेट होते हैं उस चीज से। और लाइक और कमेंट तो जरूर करना, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियो में क्या कमी है जिससे मैं सुधार सकूं। तो चले गाइस मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।